नमस्कार दोस्तों, विकी गेम्स में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एक और वॉर अटैक से, एक अमेजिंग वॉर अटैक्स की वीडियो। तो जिन लोगों को भी बॉलर अटैक सीखने हैं तो भाई वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अलग अलग टाउन 10 के बेसिस पे वॉर अटैक्स करता हूँ और वॉर अटैक को अपने यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो अभी आजकल जो मैंने ट्रेंड चलाया वो है टाउन 10 को 3 स्टार करने का। तो अभी मैंने अभी अपने दोनों अटैक कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 और 5 वाले के ऊपर। तो बॉलर अटैक में किए हैं इस पर, तो बॉलर अटैक की मेरी आर्मी कंपोजिशन क्या है और मैं किस तरीके से अटैक करता हूँ, ये सब आपको दिख जाएगा इस अटैक में। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे मेरा अटैक फेल हो गया, जो जनरली गलती हो ही जाती है स्टार्टिंग में। तो जैसे कि मैंने इसमें देखा कि यार इसमें एयर डिफेंस के सब अंदर अंदर है, तो इसमें आराम से क्वीन वॉक चलाई जा सकती है। तो मैंने पहले सीधा हॉक डाल के इसके सीसी ट्रूप्स बाहर निकाल लिए। सीसी ट्रूप्स बाहर आ गए, एक आर्चर डाला उनको कोने में बुलाने के लिए, फिर क्वीन वॉक चालू कर दिए अपनी, चार हिलर लगा के क्वीन वॉक चालू कर दी। लेकिन गलती हो गई, इसमें मैं पॉइजन स्पेल लेट डालने लगा, पॉइजन लेट डाला तो उसका पॉइजन का इफेक्ट लेट होगा, और जैसे ही मैं क्वीन की एबिलिटी चलाने वाला हूँ क्वीन मारी गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गया यार, क्वीन तो मर गई। जब 31 लेवल की क्वीन मर जाती है तो भाई क्वीन बहुत अच्छा खासा डैमेज करती है, और हीलर के साथ में थोड़ा सा घबरा गया। सब दूसरी साइड में बेबी ड्रैगन और विच डालनी होती है, लेकिन वो भी मैं नहीं डाल पाया। सिर्फ बेबी ड्रैगन डाला और वो बेबी ड्रैगन फोकट में मारा गया, तो वो एक सेकंड थोड़ा सा घबराहट का मामला हो गया। तो मैंने अपने सारे गोलम और टैंक टूप अंदर डाल दिए। मैंने बोला यार अब नहीं मरना चाहिए, हीलर लगा दिए, जबकि सामने एयर डिफेंसेस थे तो वो आसानी से मार सकते थे। तो मेरे को ये ध्यान आ गया, मैंने 2 खड्डे किए और बॉलर्स डाल दिए। 2 खड्डे वॉल में करने बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका पूरा रिंग बन जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे सारे ट्रूप अगर अंदर डालने। तो 2 खड्डे करने आपको बहुत ज़रूरी है। तो बॉलर को रेज करते ही थोड़ा खासा डैमेज होना चालू हो गया। तो मैंने सांस आई, मैंने बोला यार कम से कम इसको 2 स्टार तो कर दिया जाए। फिर रेज और हील का मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पहले से ही यूज़ कर लिया, मतलब बचा के नहीं रखी बिल्कुल भी, कि मेरा मकसद फिर ये हो चुका था कि इसको 2 स्टार करना है, क्योंकि 3 स्टार के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि 2 स्टार भी नहीं होता तो नुकसान हो जाता है। तो नॉर्मल 2 स्टार तो टाउन 10 में मिलते ही हैं, तो वो सब चलते हुए मैंने यहाँ पे इसको 2 स्टार की तरह ही ले लिया। स्टार्टिंग में जो गलती हो जाती है, स्टार्टिंग में बिगड़ जाता तो पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा स्टार्टिंग सब बिगड़ जाता है। हालांकि मेरा सेकंड अटैक था, फर्स्ट अटैक था मेरा 4th वाले के ऊपर, जिस पर मैंने टाउन 10 पे 3 स्टार मारा है। तो इसको अगर अपन फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, ऐसे किंग चल रहा है, लास्ट में मैंने किंग की एबिलिटी चलाई। मैं जाइंट बॉम्ब का इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ पे जाइंट बॉम्ब है, जाइंट बॉम्ब कराए एबिलिटी चलाई ताकि छोटे मोटे बारबीन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें, पर अकेली हीलर और ये कितना लड़ पाता, मेजर टूप तो मर चुके। तो ऐसे करके इसको 2 स्टार तो कर दिया, 66% डैमेज भी कर दिया। तो मतलब एक स्टार्टिंग ऐसा फेलियर हो जाता है बॉलर अटैक्स में। लेकिन एक दूसरा अटैक बता रहा हूँ मैं, स्काउट करके दिखाता हूँ बेस एक्चुअल में है क्या। ये बेस एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आप सीसी ट्रूप्स को बाहर नहीं निकाल सकते, हॉक डाल के कैसे भी नहीं निकाल सकते, आ ही नहीं सकता आप वो, है ना। और अच्छा वेल बिल्ट बेस है, वॉल्स भी अच्छी हैं, तो ये थोड़ा चैलेंज है। स्प्रेड आउट बेस है तो कुछ पता नहीं है ट्रैप्स का या किसी भी चीज़ों को कहाँ से घुसा जाए, तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग बेस है। इसमें थोड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के किया गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक तरफ सीधा बेबी ड्रैगन डाला है, एक तरफ क्वीन वॉक चलाई है, ठीक है। बेबी ड्रैगन क्वीन वॉक दोनों दोनों तरफ से फनल बनाई जा रही है, और विच से क्या किया, विच से थोड़ा अच्छा खासा क्लीन अप किया जाता है। इसमें देखो आप, जब बेबी ड्रैगन की साइड 2 विच डालनी है, क्वीन वॉक की साइड 1 विच डालनी है, और विच मरनी नहीं चाहिए, विच जिंदा रहनी चाहिए। अब उधर हीलर्स रहेंगे तो वो दोनों को जिंदा करते रहेंगे, कितना अच्छा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है विच। अब जैसे ही साइड में कचरा साफ हो गया, मैंने डाल दिए अपने हीरोज, अपने विजार्ड, क्योंकि मेरे को पता सीसी ट्रूप मारने के लिए विजार्ड ही काम में आएंगे, और किंग और वो गोलम अपना टैंक ट्रूप आगे चल रहा है तो विजार्ड इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। हीरोज हमेशा तीनों साथ में जाने चाहिए इनसाइड। खड्डा होते ही बॉलर डाल दिया ताकि कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ही बदल जाए। अब है अपने पास जंप, जंप डाल दिया गया है ताकि विजार्ड अंदर जाके उनको मार सकें, और पॉइजन कर दिया गया है अच्छे से। अब रेज स्पेल के साथ क्वीन और बाकी सारे विजार्ड वगैरह सब रेज स्पेल हो गए, और उनमें पॉइजन हो रखा है एनिमी ट्रूप में, तो वो कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हील भी डाल दी थी मैंने कि यार कोई मर ना जाए, क्योंकि बैलून का एक नुकसान भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। किंग की एबिलिटी चला चुके हैं ताकि अंदर का कोर पूरा साफ हो जाए, कोर पूरी तरीके से साफ हो चुका है। रेज इफेक्ट अभी तक है बॉलर्स और बाकी सब चीज़ों में, दूसरी रेज स्पेल भी यूज़ हो चुकी है, एक हील स्पेल बची है, तो उसको बचा के रखा जाए कि यार कभी जब थोड़ा मौका दिख रहा हो या फिर कहीं दिखा हो कि ऐसे जॉइंट पम्प में फटेंगे ये, क्योंकि लास्ट में या इस सेक्शन में जहाँ बॉलर जा रहे हैं यहाँ पे जॉइंट पम्प फटते हैं, तो डबल जॉइंट पम्प फटने का रिस्क था, इसलिए उसको हील स्पेल बचा के रखी थी और पहले से हील स्पेल डाल के बॉलर की जान बचा ली गई। थोड़ा सा आपको
बेस का एस्टिमेशन तो निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। अब अपने पास आर्मी बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन आर्मी जो ये है ये स्लो आर्मी है, हीलर्स को मार रहे हैं छोटे बच्चे वाले, लेकिन जब तक क्वीन है कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्वीन की एबिलिटी अभी तक जिंदा है और अपनी जो मैक्स हीलर्स चल रही हैं वो बहुत डेडली हो जाती है, मतलब वो मरने नहीं देती आसानी से। जब तक कि दो तीन कैनन एक जने के पीछे ना पड़ जाए तब तक वो आसानी से मरने नहीं देती। तो काफ़ी अच्छा डैमेज है, कोई एयर डिफेंस है नहीं इस बेस में, यहाँ साइड में से पूरा क्लीन अप हो चुका है, तो पूरा सॉलिड जा रहा है कि अभी ये विजार्ड टावर ये आर्जर टावर मार नहीं सकते इसको, क्योंकि हीलर्स लगातार चल रही है, जहाँ पर भी डैमेज आएगा वो माई गॉड एयर माइन लगी और शायद एक हीलर मर गई, लेकिन अभी भी दो हीलर बाकी हैं। क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है, क्वीन की एबिलिटी अब सही टाइम है चलाने का, क्योंकि स्टोरेज के ऊपर चलाई जा रही है और जो आर्चर स्पॉन होते हैं क्वीन के साथ वो काफ़ी अच्छा डैमेज करने में मदद करते हैं हट वगैरह को। तो बस टाइम का एक थोड़ा ख़तरा हो जाता है क्योंकि दो स्टोरेज अभी तक बचे हैं तो स्टोरेज मारने में टाइम लगता है, लेकिन बोलर्स का फ़ायदा ये है कि वो 2x अटैक करते हैं, फर्स्ट वाले पे थोड़ा ज़्यादा होता है, सेकंड वाले में थोड़ा कम होता है। तो ये बॉम्बर टावर तो ऐसे फोकट में मर गया, हीलर्स काफ़ी मर चुकी हैं, लेकिन अब हीलर्स की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बोलर्स इतने सारे ज़िंदा हैं और क्वीन भी पूरी पावरफुल ज़िंदा है, तो ये आसानी से अपन ने इसको 3 स्टार कर दिया। तो इस तरीके से आप जो डिज़ाइन स्क्वायर बेस है ये इसको भी मतलब स्क्वायर ये सेक्शंस बना रखे हैं जिनमें बॉल्स तोड़ने का बड़ा खतरा रहता है, तो उनको आप बोलर अटैक से आसानी से कर सकते हैं। यही मेरी कुछ आर्मी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मैं लाइव स्ट्रीम और काफ़ी सारी चीज़ें लाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके क्लैन में आके वॉर करूँ तो भाई कमेंट में अपना क्लैन टैग डाल दें, मैं रिव्यू कर लूँगा और एक आधा वॉर आपके क्लैन में आके कर लूँगा। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय। Bottles, popping bottles.